हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप कोई भी अपनी बाइक में, टू व्हीलर बाइक में आरपीएम कैसे सेट करें। मेरे पास अभी सुजुकी जिक्सर है 150, तो उसमें मैं बताऊंगा कैसे मैं आरपीएम सेट करें और मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे पाए इंजन की। तो हमें इसको सेट करना है और लेफ्ट साइड में वहाँ एवरेज का है उसको सेट करना है, ये आरपीएम के लिए है। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जल्द से जल्द पता चल जाए। एवरेज माइलेज या आप बोल सकते हैं एफिशिएंसी पाने के लिए, सेट करने के लिए जो हमें चीज़ की ज़रूरत पड़ी है वो है स्क्रू ड्राइवर या तो टेस्टर, जो भी आपके पास हो। मेरे पास अभी छोटा वाला टेस्टर जो कॉम्पैक्ट हो और जो कहीं पर भी जा सके। तो सबसे पहले मैं आपको कार्बोरेटर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी धूप है उसके कारण, चलो। तो हमें जो सेट करना है ये आरपीएम के लिए, हमें इंजन स्टार्ट करने के बाद इसको बढ़ा देना है, लूज़ करना है, टाइटन करना है। हमें 2000 आरपीएम या 1500 आरपीएम पे इंजन रखना है। और दूसरी तरफ जो लेफ़्ट साइड है वो स्क्रू जो एयर और फ्यूल मिक्सर को मेंटेन करता है उसको हमें एडजस्ट करना है ताकि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी पा सकें। तो पहले क्या करना है कि अपनी इग्निशन की ऑन कर लेनी है। तो डिस्प्ले क्लस्टर पे मेरे बाइक पे ऐसा है, सब बाइक पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सब अलग अलग कंपनी के। और यहाँ पे पावर किल स्विच है वो हमें ऑन कर देनी है और जस्ट हमको स्टार्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर और यहाँ पे मेरे आरपीएम दिख रहे हैं, जैसे कि मेरे को शोरूम वालों ने सेट करके दिए थे 1500 आरपीएम। अभी मैं उसको बढ़ाऊँगा। यहाँ से जो ये वाला स्क्रू है उससे मैं ये वाले स्क्रू से मैं बढ़ाऊँगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा आरपीएम कर दूँगा। बाद में मैं जाऊंगा लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे जाने के बाद सो ये दिख रहा होगा आपको, ये स्क्रीन जो दिख रहा है यहाँ से दिख रहा होगा वो आपको थोड़ा सा सेट करना है। जैसे कि मैंने कर दिया, अभी जैसे कि देख पा रहे हो हेडलैम्प चालू कर देना है, जिससे आपको पता चले कि अगर आपकी हेडलाइट माने बैटरी पे ना चल रही हो और आरपीएम भी चल रही हो तो उसके बारे में पता चल जाए आपको। और अब मैं यहाँ से आरपीएम रिड्यूस करूँगा, जैसे कि देख पा रहे हो तो पता चलेगा कि आरपीएम रिड्यूस हो रहे हैं। आरपीएम रिड्यूस करने के बाद हमको आरपीएम सेट करने है यहाँ पे हमें आरपीएम सेट करने अराउंड 1000। तो मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक हाथ से सेट कर रहा हूँ उसको 1000 आरपीएम पे। जब तक मेरे को 1000 आरपीएम ना मिले तब तक, और ये जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने 1000 आरपीएम सेट कर दिया है। यहाँ पे दिखा रहे मैंने कुछ किया नहीं है, खाली जस्ट इसको सिंपली मैंने टाइटन अनटाइटन किया है, जिससे कि मेरे आरपीएम बढ़े और कम हो। और लेफ्ट साइड वाले जो स्क्रू है वो मेरे एयर और फ्यूल मिक्सर को मेंटेन करता है और उसको उतना भी टाइटन या लूज़ नहीं करना है कि आपको मैक्सिमम पावर टॉर्क ना मिल पाए, पिकअप ना मिल पाए। सो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा टाइट ना कर दिया जाए या ज़्यादा लूज भी ना कर दिया जाए, जो ये वाला स्क्रू दिख रहा है वो वाला। मैंने भी आरपीएम और एफिशिएंसी अच्छी सेट कर दी है और इससे हमको अराउंड मेरे बाइक में जो मैंने सेट की है उससे मेरे को 62 या उतनी माइलेज मिलती है। भले कंपनी वाले बोले कि 60 की मिलती है पर मैं निकाल लेता हूँ 62 प्लस की एवरेज। और मैं यहाँ पे सेट रखता हूँ 1000 आरपीएम। मैंने बाइक बंद कर दिया है और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, ताकि इडल स्पीड में भी हमारा इंजन जो है वो हाई आरपीएम पे रोटेट ना करे, उससे हमारा एफिशिएंसी बढ़ती है और फ्यूल कंजप्शन जो होता है वो कम होता है। आइडल स्पीड पे इंजन को रखते हैं तो हमें 1000 अराउंड या 1200 आरपीएम ही रखना है, जिससे कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले और फ्यूल कंजप्शन जो हो वो इंजन का कम हो और हमें टॉर्क भी अच्छा मिले, पावर भी अच्छा मिले जब हम एक्सेलरेट करते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और आपकी कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए। इसके लिए इतना ही। और ये मेरी जिक्सर है, अगर इसके बारे में और रिव्यू जानना चाहते हो तो मेरे को बता दीजिए, मैं इस पर अलग से और एक वीडियो बना दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोज़ को आप देख सको। थैंक यू दोस्तों।